पाठ 9 विशेषण। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। लाल गुलाब, ऊंचा पेड़, सुंदर खिलौना, मोटा आदमी। यहाँ पर लाल शब्द गुलाब की, ऊंचा शब्द पेड़ की, सुंदर शब्द खिलौने की तथा मोटा शब्द आदमी की विशेषता बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि लाल, ऊंचा, सुंदर, मोटा आदि शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये शब्द सर्वनाम की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे तुमने शकीला को देखा, वह उधर खड़ी है, वह अब शैतान हो गई है। मैंने कल यह कार खरीदी है, यह बहुत सुंदर है। पहले चित्र में दिए गए वाक्य में शैतान शब्द वह सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है। दूसरे चित्र के नीचे दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द यह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार लाल, ऊंचा, सुंदर और मोटा शब्द विशेषण हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। गुलाब, पेड़, खिलौना, मोटा, वह और यह शब्द विशेष्य हैं। कुछ अन्य विशेषण, रंग बताने वाले, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, रंगीन। गुण बताने वाले, अच्छा, भला, सीधा, ईमानदार, मेहनती, सच्चा। दोष बताने वाले, झूठा, बेईमान, धोखेबाज, कपटी, छली। स्वाद बताने वाले, मीठा, नमकीन, फीका, खट्टा, कड़वा। दशा बताने वाले, गरीब, अमीर, रोगी, अंधा, लंगड़ा। अवस्था बताने वाले, गर्म, ठंडा, गीला, सूखा। आकार बताने वाले, मोटा, पतला, ऊंचा, बड़ा, छोटा, विशाल। विशेषण व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों की संख्या, माप और तोल भी बताते हैं। 2 किलो अमरूद, 1 दर्जन केले, 2 किलो सेब, 4 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 4 फूल। कुछ विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। ऐसे विशेषणों के 3 रूप होते हैं, आकारांत, इकारांत, एकारांत, मोटा, मोटी, मोटे, पतला, पतली, पतले, झूठा, झूठी, झूठे, काला, काली, काले, बड़ा, बड़ी, बड़े, ठंडा, ठंडी, ठंडे, लंबा, लंबी, लंबे, सच्चा, सच्ची, सच्चे, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, प्यारा, प्यारी, प्यारे, सीधा, सीधी, सीधे, ऊंचा, ऊंची, ऊंचे, अंधा, अंधी, अंधे, मीठा, मीठी, मीठे, अच्छा, अच्छी, अच्छे, भला, भली, भले, कच्चा, कच्ची, कच्चे। याद रखिए, केवल आकारांत विशेषण, जिनके अंत में आ की मात्रा लगी रहती है, अपना रूप बदलते हैं। अन्य विशेषण शब्दों का रूप सदैव एक सा रहता है, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर फूल, शरारती लड़का, शरारती लड़की, शरारती बच्चे, पालतू पक्षी, पालतू खरगोश, पालतू कुत्ता। आकारांत विशेषण का प्रयोग एक वचन पुलिंग विशेष्य के साथ होता है, जैसे कड़ा दंड, बुरा सपना, अच्छा लड़का, सीधा रास्ता, खट्टा आम, थोड़ा पानी। इकारांत विशेषणों का प्रयोग स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ होता है, जैसे लंबी लड़की, अंधी स्त्री, मीठी जलेबी, पतली गली, ऊंची इमारत, सीधी राह, सच्ची कहानियाँ, कड़वी यादें, अच्छी मिठाइयाँ। एकारांत विशेषण का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग विशेषण से पूर्व होता है, जैसे पीले कुर्ते, बुरे सपने, अच्छे लोग, बड़े केले, सस्ते जूते, गहरे गले।